नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। रादर जो शुरुआती टिक्स थे, मार्केट ने उसे सस्टेन किया, ना केवल बल्कि होल्ड भी किया। 8335 के लेवल्स पे निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी करीब करीब आधा परसेंट ऊपर, 134 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है बाजारों में। कुछ देर पहले निफ्टी 8350 के बेहद नजदीक तक भी पहुंचा था। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 1% के आसपास की बढ़त के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। आज का क्लियर कट विनर जो है वो है मेटल, करीब 3% ऊपर ये इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी पूरे इंडेक्स में देखने को मिल रही है और वजह भी उसकी कई सारी है। एक घरेलू फ्रंट पर जहां पर MIP जो लगा हुआ है उसकी जगह अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बातचीत हो रही है, और दूसरा विदेशी फ्रंट पर भी जहां पर चाइना ने अपनी जो बड़ी ब्लास्ट फर्नेस है जो माइनर उससे उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस किया, इससे भी प्राइसेस बढ़ने की बातचीत होते हुए दिखाई पड़ रही है ग्लोबली। तो ये ऐसा ट्रिगर और मार्केट जिसको देख रहा है। प्लस दूसरा जो एक बड़ा सेक्टर है वो है बैंक। बैंक में स्पेशली इंडसइंड बैंक 5.5% ऊपर कामकाज करते हुए नंबर्स के बाद री रेटिंग हुई ब्रोकर्स की तरफ से, और री रेटिंग के बाद शेयर करीब 5.5% ऊपर अब कामकाज करते हुए एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा हिंडालको, कोल इंडिया, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट, यस बैंक, यहां पर भी कुछ खरीदारी देखने को मिली। हालांकि प्रेशर हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ऑटो स्पेस के अंदर देखने को मिल रहा है, स्पेशली टू व्हीलर स्पेस में यहां पर प्रेशर है। IT तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग यहां पर देखने को मिल रही है। HCL टेक या फिर TCS में भी कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में आज जो एक अच्छी खरीदारी है वो मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है, मेटल में भी है, और बैंकिंग में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मार्केट्स में अच्छी बढ़त बनी हुई है, और इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। हमारे साथ लोकेश उपल आज के खास मेहमान मौजूद रहेंगे आज के इस शो में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शेयर्स के ऊपर कोई भी सवाल ले जाना चाहते हैं, तो उठाइए अपना फोन। SMS के जरिए भी आप कॉल फोन करके या फिर SMS करके, दोनों ही तरीकों के जरिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही WhatsApp के जरिए और Facebook के जरिए भी हमारे आपके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आपके सवालों के जवाब देंगे। इसी के साथ आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, मनीष जी हैं। मनीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं तो फर्मा 252 का अभी करंट लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपका नजरिया जानना चाहेंगे मनीष जी, क्या है? मेरा 6 मंथ्स का आपका पर्सपेक्टिव है। 2 रुपए प्रति शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है। लोकेश, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आप ही से होगा, 100 शेयर्स हैं इनके पास अभी, अगर 6 महीने के लिए पर्सपेक्टिव हो तो क्या सलाह होगी आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इज अ डिस्क्लोजर, डिस्मेंट फार्मा इज इन द पोर्टफोलियो ऑफ अ क्लाइंट्स, तो आई डोंट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द क्लाइंट्स एज वेल एज फॉर माई सेल्फ। मैं प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट इसका व्यू दूंगा। बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट डिस्मेंट फार्मा, वी कैन सी डिस्मेंट फार्मा इज फॉर्मिंग अ बुलिश पैटर्न ऑन मंथली एंड लॉन्ग टर्म चार्ट, जो साफ साफ इंडिकेट करता है दैट स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 300+। तो आप 300 के प्लस के लेवल्स के लिए अपनी पोजिशन को होल्ड कर लीजिए, एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 225, जहाँ पे इसका चेक सपोर्ट जोन बना हुआ है। जी, एक अच्छी तेजी में डिस्मेंट फार्मा अभी भी कामकाज कर रहा है, करीब आधा फीसदी ऊपर है, आपको बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है, और करीब 253 के स्तरों पे कामकाज करते हुए। अमरजीत सिंह से बातचीत कर लेते हैं, भटिंडा से मौजूद है हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अमरजीत सिंह बात कर रहा हूँ। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैं सेंटेक्स के 200 शेयर ले हुए हैं 80 मिनट से, और कितने टाइम के लिए भी होल्ड रख सकता हूँ मैं? ओके, आपको 3 रुपए करीब का मुनाफा भी हो रहा है, आपने वैसे नजरिया क्या रखा था इसमें सिंह साहब? सर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे 90 का टारगेट चाहिए, अभी कब तक अचीव हो जाएगा अभी 90 प्लस? ओके लोकेश, सवाल सिंटेक्स पर है, 81 रुपए के भाव पर खरीदारी है, 84-85 का मौजूदा सर है, ये फिलहाल तो मुनाफे में है, लेकिन 90 के लक्ष्य के लिए उन्होंने खरीदारी की थी छोटी अवधि के लिए, आप क्या राय रखते हैं, क्या इन्हें 90 के टारगेट्स जल्द ही मिलेंगे या फिर एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, या और एक्यूमुलेट कर लें और लंबी इसमें चाल देखने को मिल सकती है? गुड मॉर्निंग सुमित जी, अगर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के चार्ट को स्टडी करते हैं फिर लुक एट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि 78 के बाद इसमें अच्छा पुलबैक देखा गया है, और 86 के आसपास ही इसमें स्टॉक में रेजिस्टेंस आती है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट इंडिकेट करते हैं कि देयर इज साइडवेज कंसोलिडेशन विद द वीक बायस, विच इंडिकेट्स कि ऊपर से सेलिंग आ सकती है। आपने 81 के आसपास लिया हुआ है, 85 से 86 के लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुक होम करके टेक होम कर लीजिए, क्योंकि दैट इज अ लेवल यू कैन सी ऑन सिंटेक्स, उसके ऊपर जाता हुआ सिंटेक्स अभी नजर नहीं आ रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे साथ एक और दर्शक का फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, गंधर्व जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूछिए सर आपका सवाल आज का। यूनियन बैंक की कॉल बाय करी है, ठीक है, 125 की स्ट्राइक प्राइस की, ओके, 5.20 पैसे की, जनवरी मंथ की एक्सपायरी की। ऑलराइट, जनवरी मंथ की एक्सपायरी में उन्होंने कॉल बाय की है यूनियन बैंक की, 125 के स्ट्राइक प्राइस पर, क्या सलाह देंगे आप लोकेशन को?
देखिए साक्षी जी, यूनियन बैंक को स्टडी करते हैं, वी सी ए बाउंस बैक इन द स्टॉक फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 125-126 जहाँ पे इन्होंने इसको बाय किया हुआ है। स्टॉक की जो अपसाइड लेवल्स नजर आते हैं दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 130 एंड 140। सो जैसे ही स्टॉक में आपको 138-140 के लेवल्स मिले वहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए, और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 128 का ही मेंटेन करना है, क्योंकि वहाँ अच्छी सपोर्ट लेकर स्टॉक ने एक अच्छा पुल बैक दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर राय आपको दी गई है यूनियन बैंक की पोजीशन को लेकर, आप उसी के अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। शैलेंद्र से बातचीत कर लेते हैं, दरभंगा से मौजूद है हमारे साथ। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। नमस्कार शैलेंद्र जी, क्या सवाल आपका पूछा? सर हमने अशोक लीलैंड और एक ट्राइडेंट जो है ना, अशोक लीलैंड हमने लिया हुआ था जी, ये लगभग 675 रुपये में, और ट्राइडेंट का शेयर हमने लिया हुआ था 57 रुपये में जी। शैलेंद्र जी दोनों में पोजीशन अभी पुरानी है, पहले ही खरीदारी आपकी? ओके, और नजरिया आप क्या रखते हैं अब इन दोनों पोजीशन में? सर लंबा रख सकते हैं तो चाहें तो आप जितना एक साल दो साल रख सकते हैं, अगर ये अच्छा, अगर आप बताएं कितने हैं फंडामेंटल। ओके जी, अशोक लेलैंड के फंडामेंटल को लेकर तो कोई दो राय नहीं है, ये देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल कंपनी है और बड़े ग्रुप की हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, तो अपने आप में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। रही बात ट्राइडेंट की, ट्राइडेंट भी टेक्सटाइल स्पेस में कंपनी है और अच्छे नाम के साथ कई प्रोडक्ट कंपनी के पास है, रादर वेल्सपन ने कई बिजनेस जो है वो भी ट्राइडेंट के पास क्वार्टर में आए हैं। लोकेश आप क्या राय रखते हैं? ट्राइडेंट 56 में खरीदारी है, 58 पर माफी की खरीदारी है, 62-63 आ चुका है, मुनाफा है 5 रुपये का, और अशोक लेलैंड में भी नहीं खरीदारी, अच्छे दाम पर है, आप क्या राय रखते हैं दोनों शेयरों को लेकर? देखिए सुमित जी, अगर ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट और स्टॉक कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में बना हुआ है, इसकी जो अच्छी सपोर्ट जोन आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 56 रुपीज़ एंड 80 पैसा, 56 रुपये 80 पैसे के आसपास इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है। वहाँ से एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन तैयार हो रहा है मंथली चार्ट पे, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले अगले महीने में भी ये कंटिन्यू कर सकता है, एंड यू कैन सी अपसाइड इन ट्राइडेंट क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 75 एंड 80। तो 75-80 के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए एंड कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 56 रुपीज़ 80 पैसा, क्योंकि वो इसकी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। सेकंड स्टॉक की बात करते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में 71-72 के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ था, हमारे से राइट शोल्डर फॉर्म हो रहा है वीकली और मंथली चार्ट्स पे, जो इंडिकेट करता है कि फर्स्ट टारगेट ऑन चार्ट जो नजर आ रहा है वो 90 रुपये का आ रहा है, और जैसे ही 90 रुपये की रेजिस्टेंस को स्टॉक क्रॉस करेगा आपको 95 से 100 के लेवल ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, और जिसका ऑल टाइम हाई है 120 रुपये का वो आपको 3 से 6 महीने में देखने को मिलेगा। तो दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में बने रहिए एंड वेट फॉर द स्टॉक्स टू गिव यू प्रॉफिट्स इन द कमिंग डेज। जी बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर आपको बने रहने की सलाह दी गई है, कुछ नियर टर्म टारगेट्स भी बताए गए हैं। अशोक लेलैंड में 90% के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, साथ ही ट्राइडेंट में भी 80% के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल की तरफ। दिल्ली से आशीष जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार आशीष जी, पूछिए। नमस्कार जी मैम, हमारे पास डीवी स्लैब है 810 पे 376। कुछ नुकसान अभी आपको हो रहा है यहाँ पर, आपने कब खरीदे थे शेयर्स? महीना भर ही हुआ है। राइट, महीने के अंदर ही काफी नुकसान हो गया, अभी आप कब तक होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को? आई वाज लुकिंग फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स, सो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है अभी आपका। डिविस लेबोरेटरी में बने रहना चाहते हैं, 810 रुपए के आसपास की खरीद है इनकी, 370 शेयर्स के आसपास उन्होंने खरीदे हुए हैं, फिलहाल कुछ नुकसान लेकिन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए साक्षी, अगर डिविस लैब के लॉन्ग टर्म व्यूज के हिसाब से देखते हैं, फिर लुक एट द ईयरली चार्ट, तो कहीं भी ऐसा देख के लगता नहीं है कि स्टॉक जो है एक बेरिश फॉर्मेशन दे रहा है, इट लुक्स लाइक अ बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न, जो हो सकता है आज से 4 से 5 साल बाद यहाँ से ये 3 गुना या 4 गुना अपने लेवल्स को देखने को मिले। अगर आपका शॉर्ट टर्म का किसी का नजरिया है तो डिविस लैब के जो इमीडिएट सपोर्ट जोन आते हैं दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 640 एंड 644, अगर उसके आसपास किसी ने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया हुआ तो वहाँ पे एवरेज बना लें, क्योंकि वहाँ से जो टेक्निकल बाउंस बैक मिलेगा दैट कैन टेक द स्टॉक बैक टू द लेवल्स ऑफ 800, तो वहाँ पे जाकर लोग मुनाफा वसूल कर सकते हैं। तो यू हैव अ 5 इयर्स व्यू, अपनी पोजीशन में बने रहिए जी, लेकिन आप खबरों को जरूर ध्यान रखिए कि डिविस लैब के साथ कई सारी खबरें हैं जो कि इस शेयर को रिसेंटली इंपैक्ट करके गई हैं। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ी खबर है मेटल स्पेस को लेकर, जहां पर मेटल में एक जोरदार तेजी उस खबर के बाद आते हुए दिखाई पड़ रही है, चाहे वो खबर हो एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर या फिर खबर हो चाइना में प्रोडक्शन कट को लेकर, तो ये दोनों ही खबरों का एक सीधा सीधा इंपैक्ट पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है, और सुबह से हम बातचीत कर रहे हैं मेटल स्पेस को लेकर, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद हैं, मास्टर मिस्टर राम अग्रवाल हैं, सीईओ हैं गुड लक स्टील के। मिस्टर अग्रवाल नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अहम खबर, रादर दो खबरों में इसको पहले बांटना चाहूंगा। पहली खबर तो यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रस्ताव आ रहा है इस पूरे स्पेस को लेकर, खासतौर से जो कलर कोटेड स्टील है उसको लेकर, किस तरह से इस खबर को आप देख रहे हैं और कितनी जरूरत है स्टील स्पेस में इस एंटी डंपिंग ड्यूटी की फिलहाल लगने की? सर इसके अंदर सबसे बड़ा एक सेक्टर है कलर कोटेड का, द लेटेस्ट सेक्टर इज द सोलर सेक्टर। ओके, सोलर सेक्टर के लिए जो एमएमएस बनता है पैनल मैन्युफैक्चर
पैनल स्ट्रक्चर्स बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल अभी तक इंडिया से लेते थे, इंडिया में ही बनता था और सप्लाई होता था स्ट्रक्चर्स बना के जी। लेकिन चाइना से ये वाला मटेरियल सस्ता आना शुरू हो गया था और इस मटेरियल की वजह से जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका मटेरियल यहाँ सप्लाई नहीं हो पा रहा था। जितने ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सभी मटेरियल चाइना से लेके आ गए थे, विच वॉज एटलीस्ट 7 रुपीज चीपर देन द इंडियन प्राइसेस, क्योंकि इंडिया में प्राइसेस बहुत अप थे। तो इस तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी यदि चाइनीज प्रोडक्ट पे लगती है तो एटलीस्ट जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना मटेरियल बेच पाएंगे। ओके सर, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऐसे अलग अलग सब सेगमेंट्स हैं जहां पर अभी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का स्कोप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कोरियन मार्केट, चाइना मार्केट से, या फिर ताइवान से भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सस्ते इंपोर्ट होते हैं। तो कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बता सकें जहाँ पे हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट बजट में कुछ ऐसे फैसले लेते हुए दिखाई पड़े। सर बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट जो भी लगा रही है वो बिट्स एंड पीसेस में लगा रही है, विच इज हर्टिंग द सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट का देयर वाज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आज एक इकोनॉमिकल ग्लोबल मार्केट है जिसके अंदर सभी को अपने अपनी कंपटीशन के हिसाब से मटेरियल बेचना चाहिए जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इफ यू लैक इन आइदर ऑफ दीज क्वालिटीज then you can give routine governance but never leave your footprints behind. And of course we saw a series of initial changes. Some of them were low hanging fruit and some were obviously directional in nature. Indian economy got opened up significantly. And while we were opening up, in sector after sector, it became clear that India and Indians had become increasingly aspirational. And therefore, most of these decisions, let alone faced no resistance, quite to the contrary, they enjoyed popular support. A new India had emerged, and which is evident from the fact that while the world is moving slowly today, and you hear voices of protectionism in developed world, the debate over protectionism is hardly heard in India. And that's an indication of how aspirational, open and progress-oriented Indian public opinion is increasingly becoming. People expected transparency. So one of the emphases of the government and the Honorable Prime Minister was that discretions had to be eliminated. In fact, a lesson to be learned from the last government, the previous UPA government was. आप सुन रहे थे वाइब्रेंट गुजरात से वित्त मंत्री को, जिनका कहना है कि भारत की रूपरेखा में एक बड़ा बदलाव हुआ है और ये इस तरह से भी देखा जा सकता है कि बाकी दुनिया भर के देशों में थोड़ी मंदी की बातचीत जरूर होती है लेकिन भारत में यह बातें अभी भी सुनाई नहीं पड़ती और अभी भी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इंडिया की वो इंटैक्ट दिखाई पड़ रही है। दो इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा जीडीपी स्लोडाउन की बातचीत की गई है लेकिन अभी भी बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी बेटर शेप्ड है और बेटर ग्रोथ देख रही है।